कैलेंडरी नववर्ष के उपलक्ष्य में आज दिनांक को त्यौंथर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश पाठक एवं पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ब्राह्मण नारायण शर्मा के नेतृत्व में नववर्ष के सभी अधिवक्ताओं एवं क्षेत्रीय जनता को प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से बधाई दी गई। साथ ही नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारे प्रयाग न्यूज एक्सप्रेस के संवाददाता कमलेश शुक्ला ने कुछ अहम मुद्दों पर वार्तालाप किए। आइए सुनते हैं त्यौंथर से हमारे रिपोर्टर कमलेश प्रसाद शुक्ला के अधिवक्ताओं से खास बातचीत। ये सरकार को जो है नाटक नहीं करना चाहिए कि हमको यहाँ 100 किलोमीटर सफर करना चाहिए। हमने सांसद पद में जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे निवेदन है कि इस बात को महत्वपूर्ण इसमें विशेष ध्यान और त्यौंथर में बस विकास हो, हॉस्पिटल में 100 बिस्तर का तत्काल निर्माण कराया जाए जो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है उसको क्या। और सबको अपने अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। साथ ही अधिवक्ता संघ सदैव क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करता रहा है और क्षेत्र की जो भी समस्याएं रही हैं अधिवक्ता संघ आगे आकर उस क्षेत्र की समस्या को पूरा करने में सहयोग प्रदान किया है। हमारे अधिवक्ता संघ की जो गरिमा में स्थिति बननी है उसके संबंध में यहाँ पर एक दीवार बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए अधिवक्ता संघ तत्काल में प्रयास करेगा और ये बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाने से निश्चित ही न्यायालय की गरिमा अपने बढ़ेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। इन्हीं आशाओं के साथ सभी अधिवक्ता साथियों को क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। पुरानी बस्ती है और विगत 4-5 वर्षों में जो नगर परिषद से सड़कें बनी हैं उनमें 2-2, 3-3 फीट तक नालियों के आगे तक अतिक्रमण कर लिया गया है। इस संबंध में नगर परिषद को कई बार अवगत कराया गया है। इस वर्ष वह भी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा कि नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए त्यौथर और पचामा में जो नालियों के आगे अतिक्रमण है उसको प्रशासन हटाए। ये चल रहा है तो इसके संबंध में क्या है। रीवा हाई कोर्ट के लिए हम लोग तो विंध्य प्रदेश समय में रीवा में ही हाई कोर्ट था और इसके लिए रीवा जिले के अधिवक्ता संघ संघर्षरत है और उनके साथ साथ हम सब लोग भी संघर्षरत हैं कि रीवा में निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश के जब का विलय हुआ है मध्य प्रदेश में उससे पूर्व विंध्य प्रदेश के टाइम में रीवा में हाई कोर्ट की स्थापना थी तो हम पुनः मांग करते हैं कि रीवा में हाई कोर्ट की स्थापना हो जिससे यहाँ के आम जनता को सुविधा मिले। हाँ देखिए महोदय, आप संघ के लिए क्या सौगात है। हम लोग पूर्व अध्यक्ष प्रणव शर्मा जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि रीवा जिले में चौथा एक अधिवक्ता संघ होना स्थान पर और रीवा चौथा को जिला बनाने भोलापुर के निर्माण में हम लोग पूरा प्रयास। हमारे अध्यक्ष महोदय अधिवक्ता संघ के राजेश कुमार पाठक जी का कहना यह है कि हम अधिवक्ताओं का अच्छा भविष्य रहे।